मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर एज अ पार्टनर। स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हम टाइप ऑफ पार्टनर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको फुल फ्लेज पार्टनर पढ़ा दिया था सारा, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर। उसी तरह मैंने आपको नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स पढ़ा दिए थे, नॉमिनल पार्टनर जो सिर्फ अपना नेम यूज़ करने के लिए हमें देते हैं, ठीक है, और पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, लिमिटेड पार्टनर, पार्टनर बाय इस्टोपेल। तो सारे के सारे पार्ट्स हमारे डिस्कस हो चुके थे। जो लास्ट वीडियो है वो मैंने छोड़ी थी आपकी माइनर एज अ पार्टनर, इस टॉपिक पे ऊपर छोड़ी थी। यस स्टूडेंट्स, हमारा क्या चल रहा है, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। मेन टॉपिक चल रहा है हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है। तो इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर वो पार्टनर हो सकता है, इफ़ ही इज़ एलिजिबल टू बी अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, सो वट विल बी द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ अ माइनर पार्टनर। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। नो, तो उस टॉपिक को वहीं छोड़ देंगे हम। यस, माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पार्टनर हैं तो उसके कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होंगी, वो सब कुछ हमें यहाँ डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि माइनर कौन होता है। सो एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18, लेस देन द एज ऑफ 18, 18 साल से कम जो पर्सन होगा वो माइनर की कैटेगरी में आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनर कौन होता है? एक पर्सन जिसने अभी तक अपनी एज के 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए, वो पर्सन माइनर है। एक बार वो 18 का हो जाएगा, मेजॉरिटी उसको मिल जाएगी, वो माइनर की कैटेगरी से हट जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस पोजीशन ऑफ माइनर। पोजीशन ऑफ माइनर तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये तो डिस्कस कर लें कि पर्सन जो माइनर पर्सन है वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। माइनर कौन होता है? अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18, सो कैन ही बी कम अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म? तो इसका आंसर है नो। एक पार्टनर किसी एक माइनर पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो किसी भी तरह के एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई पर्सन अगर एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो वो मेंबर कैसे बनेगा, पार्टनर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। बट एक कंडीशन दी हुई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा है उसके अंदर बोला गया है कि अगर रिमेनिंग पार्टनर अपनी कंसेंट दे दें, अगर सारे के सारे पार्टनर्स अग्री कर जाएं कि माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, तो आप माइनर को पार्टनर बना लोगे। यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसको फोकस करेंगे, इसको नोट डाउन करो आप साथ साथ। अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें तो वो पार्टनर बन सकता है, बट ही कैन नॉट बी रेफर्ड एज फुल फ्लेज्ड पार्टनर। पर वो कभी भी फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। एक माइनर पर्सन कंपनी में, पहली बात तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन ही नहीं सकता। स्टिल कुछ केसेस हैं, अगर बाकी के सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें तो माइनर पार्टनर बन सकता है। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माइनर पार्टनर बनने के बाद भी फुल फ्लेज पार्टनर कभी नहीं बनेगा।
वो हमेशा नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स की कैटेगरी में आएगा, जो कि मैंने कल टॉपिक शुरू किया था लास्ट वीडियो में। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स की कैटेगरी में रखा था ना मैंने माइनर को, क्यों रखा था? क्योंकि माइनर जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेता है, लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर वो एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो प्रॉफिट्स का शेयर उसको दिया जाएगा। बट अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो लॉस शेयर करने के लिए माइनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इतना आपको समझ आ गया कि माइनर कौन होता है और क्या वो पार्टनर बन सकता है? अगर बन सकता है तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए नहीं। पोजीशन ऑफ माइनर, अब वो माइनर एक टाइम ऐसा आएगा जब 18 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है? तो हमें बताना है पोजीशन ऑफ माइनर कि 18 इयर्स का होने से पहले उसकी फॉर्म में क्या पोजीशन होती है, और जब वो 18 इयर्स का हो जाता है तब उसकी क्या पोजीशन होती है। पोजीशन ऑफ अ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अचीव करने से पहले उसकी क्या पोजीशन है। पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी अचीव करते टाइम जब वो 18 साल का हो जाएगा उस टाइम उसकी क्या पोजीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जब वो माइनर है तो फर्म में उसकी क्या पोजीशन है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट शेयर करेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉफिट्स ओनली, लॉस शेयर नहीं करेगा वो। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। उसकी कोई कॉपी उसको चाहिए वो कॉपी भी ले सकता है। पर आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म के सीक्रेट्स डाले हुए हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो चेक करने का राइट माइनर के पास नहीं है। तो राइट टू शेयर इन प्रॉफिट ओनली, वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को ही कैन व्यू, इंस्पेक्ट एंड टेक इवन कॉपीज ऑफ द अकाउंट। बट इफ अकाउंट्स कंसिस्ट एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन ही इज नॉट, ही डजंट हैव एनी राइट टू गेट सच अकाउंट्स, ओके? एंड द लास्ट, राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप मान लो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो और आप उनको बोलते हो कि मेरा हिस्सा दो, ठीक है, एसेट्स में, प्रॉफिट में, मेरा जितना भी हिस्सा है वो मुझे दे दो, एंड दे आर डिनाइंग फॉर दैट, वो मना कर रहे हैं। सो हेयर माइनर पार्टनर हैज़ राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ अ पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। एक मेंबर, एक पार्टनर जो 18 साल का नहीं हुआ और वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, सो वो प्रॉफिट शेयर करेगा। अगर कोई लॉस होगा तो वो पीछे हट जाएगा, उसका लॉस से कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म को सूट कर सकता है फाइल, उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल करना है वो कर सकता है, एंड राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, इवन उनकी कॉपीज भी ले सकता है, बट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। अगर वो मेजोरिटी अचीव कर लेता है, अगर वो 18 साल का हो जाता है, तो मेजोरिटी अटेन करने के बाद विद इन सिक्स मंथ्स ही हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस फॉर हिज कंसेंट। जब वो मेजोरिटी अचीव करेगा, जब वो 18 साल का होगा, उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा, जिसमें वो अपनी कंसेंट के बारे में बताएगा कि अब वो आगे मेंबर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अगर वो मेंबर नहीं बनना चाहता तो वो अपना हिस्सा ले और अपने घर जाए, लेकिन अगर वो मेंबर बनना चाहता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा, ठीक है? अगर वो मेंबर बनना चाहता है तो क्या होगा, और अगर वो मेंबर नहीं बनना चाहता तो क्या होगा। सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी अचीव करने के बाद विद इन 6 मंथ ही हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस फॉर हिज कंसेंट। अब उसकी कंसेंट क्या हो सकती है?
ही इलेक्ट्स टू रिमेन अ पार्टनर, वो पार्टनर बना रहना चाहता है। ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बना रहना चाहता। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताना चाहती हूँ कि अगर उसने पब्लिक नोटिस ना दिया तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसको 6 महीने में पब्लिक नोटिस देना है। इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक नोटिस, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो क्या करेंगे भाई, ही विल बी कंसीडर एज अ फुल फ्लेज पार्टनर, उसे फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाएगा। सिंपल स्टूडेंट्स, कितना अच्छा और कितना सिंपल सा टॉपिक है, मतलब लाइन टू लाइन सीक्वेंस वाइज हमें ये समझ आ रहा है। ठीक है, मेजोरिटी अचीव करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस दो, नोटिस नहीं दोगे तो आपको फुल फ्लेज पार्टनर मान लिया जाएगा। अभी आपने नोटिस दे दिया कि आप पार्टनर बने रहना चाहते हो, तो अगर आप पार्टनर बने रहना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, पहले आप सिर्फ प्रॉफिट करते थे शेयर, अब शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, अब आपको प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा और लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, आप अनलिमिटेड हो जाएगी, सिंपल, और तो कोई टर्म नहीं, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस टॉपिक में। पहले वो सिर्फ प्रॉफिट लेता था, अब वो लॉस भी शेयर करेगा। पहले उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी, जितना उसका एक्सटेंट था, जितना पैसा उसने लगा रखा था वो उतने के लिए लाइबल होता था, बट अब वो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप पार्टनर बने रहना चाहते हो तो आप फर्म के उन सब एक्ट्स के लिए भी लाइबल हो जाओगे जो आपके माइनॉरिटी पीरियड के टाइम फर्म ने किया था, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक टर्म यहाँ यूज़ की हुई है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है बैक डेट से कुछ भी इफेक्ट लागू होना। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है बैक डेट से कोई चीज़ अप्लाई होना, मतलब एक कानून जो आया तो आज, मतलब पीछे के जो काम है उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। ठीक है, जैसे माइनर, आज क्या डेट है, आज 15 है लाइक, ठीक है, मान लो 15 डेट है, अभी वो बंदा लास्ट 2 ईयर से माइनर एज पार्टनर था, माइनर एज अ पार्टनर था 2 ईयर से, 15 तारीख को वो मेजोरिटी अचीव कर लेता है और डिक्लेयर कर देता है कि मैं इस फॉर्म का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं इस फॉर्म का पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो अब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइबिलिटी आज के बाद अनलिमिटेड होगी, पिछले 2 सालों में भी फर्म ने कोई भी लेन देन किया है और उसके लिए फर्म लाइएबल है तो अब आप भी लाइएबल हो जाओगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पीछे वाले कामों के लिए भी अब आप लाइएबल हो। आप ये नहीं कह सकते भी मैं तो 15 तारीख को जो है 18 साल का हुआ था तो 15 तारीख के बाद फर्म ने जो किया है मैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए लाइएबल हूँ, नहीं, पिछले जितने टाइम से आप वहाँ पर पार्टनर हो, पिछले 2 सालों से आप पार्टनर हो तो पिछले 2 सालों के कामों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। समझ आ गया आप सबको, सिंपल है ये। अब बात करते हैं कि आप पार्टनर बने रहना नहीं चाहते, पार्टनर बने रहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो है अपनी पेमेंट लोगे और पार्टनरशिप से क्विट कर दोगे, जो भी आपका शेयर बनता है इन प्रॉफिट इन एसेट्स वो आप सब लोगे और क्विट कर दोगे। ठीक है, एग्जिट कर दोगे पार्टनरशिप फॉर्म से। इवन अगर पार्टनर आपका जो शेयर है वो देने से मना कर रहे हैं तो यू कैन स्यू देम, आप उनको स्यू कर सकते हो कि मेरी पेमेंट मुझे दो, मैं अब यहाँ पार्टनर बने रहना नहीं चाहता। और पब्लिक नोटिस में तो आपको ये बताना ही है, जैसे ही आप पब्लिक नोटिस दोगे आप फर्म की लाइबिलिटीज से फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो बिल्कुल सिंपल था। लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ दिस। बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स की बात हो रही है, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर माइनर एज अ पार्टनर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनर एज अ पार्टनर कौन सी कैटेगरी में आता है तो आपको बताना है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। ये नॉट फुल फ्लेज पार्टनर है क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट लेता है, लॉस नहीं बांटता। उसके बाद हमने बताया कि माइनर का मीनिंग सिंपल है, लेस देन द एज ऑफ 18।
हमने बताया पोजीशन ऑफ माइनर, मेजॉरिटी से पहले उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेंगे, वो बुक्स का इंस्पेक्शन भी करेगा और वो फॉर्म के अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकता है। मेजॉरिटी अचीव करते ही उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक पब्लिक नोटिस इशू करना है और उसमें अपनी कंसेंट बतानी है कि वो पार्टनर बनना चाहता है आगे के लिए या पार्टनर बनना नहीं चाहता। अगर आप ये पब्लिक नोटिस इशू नहीं करते तो आप फुल फ्लेज पार्टनर की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। अब अगर आप पार्टनर बने रहना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बांटना पड़ेगा। आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो जाएगी, लेकिन वो अनलिमिटेड होगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, मतलब पिछले टाइम के लिए भी जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो लाइबिलिटीज अराइज हुई हैं, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और अगर आप पार्टनर बने नहीं रहना चाहते तो आप अपना पब्लिक नोटिस इशू कर चुके हो, उसको इशू करते ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाओगे, आप अपनी पेमेंट लोगे, जो भी शेयर है इन प्रॉफिट इन एसेट्स वो लोगे। और अगर पार्टनर्स डिनाई करते हैं तो आप क्लेम करो, उनके अगेंस्ट सूट फाइल करो। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हमारे हो चुके हैं। 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में करें, वो है एक तो पार्टनरशिप डीड और एक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक ही वीडियो में वो दोनों टॉपिक्स करवाऊँ, अदरवाइज 2 और वीडियो एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन विल बी ओवर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज इसे रिवाइज़ की।